दिल्ली के नांगलोई में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सलीम उर्फ संजू ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 19 साल की सोनी कुमारी की हत्या कर दी। सलीम सोनी का प्रेमी है और विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखता है। उसने इस जुर्म को रोहतक में अंजाम दिया। पीड़ित सोनी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पर उसने 6,000 से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। वह अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और संजू की कई फोटो और वीडियो डालती रहती थी। देश भर में लव जिहाद की सैकड़ों वारदातों में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ दरिंदगी और बर्बरता की गई। यह सिलसिला जारी अभी भी है। सोनी की हत्या के बाद लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ तक कि देश के किसी न किसी कोने से हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें आरोप लग रहा है कि मुस्लिम युवक मोहब्बत के नाम पर धोखा करके हिंदू लड़कियों को अपने मकड़जाल में फंसा कर उन्हें सता रहे हैं। कई जगह हत्याएं भी हुई हैं। शहर शहर मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और प्यार के नाम पर अवैध धर्मांतरण की साजिशों के आरोप लग रहे हैं। ये सारे केस पुलिस के पास हैं। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सोनी की हत्या के पीछे लव जिहाद का मामला होने में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि सोनी के प्यार का खौफनाक अंजाम सोनी और सलीम दोनों ही इंस्टाग्राम पर एक दूसरे का नाम डालकर खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। घर वाले ये तो जानते थे कि उसका कोई दोस्त है, लेकिन उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की। लेकिन जब उसका नाम पूछते थे तो वह जानकारी नहीं देती थी। जानकारी के मुताबिक सोनी 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और सलीम पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ सलीम इस बच्चे को गिराना चाहता था और शादी के लिए फिलहाल तैयार नहीं था। इस बात पर दोनों के बीच खूब लड़ाई होती थी। 21 अक्टूबर को सोनी अपने घर से सामान लेकर सलीम के पास पहुंच गई और सलीम अपने दो दोस्तों के साथ उसे रोहतक ले गया और उसने सोनी की हत्या कर उसके शव को जमीन में दफना दिया। वह कहां जानती थी कि वह जिस प्यार पर इतना भरोसा जता रही है वह उसे मौत देने जा रहा है। और वहीं सोनी का परिवार भी इस बात से अनजान था कि उसका बॉयफ्रेंड दूसरे समुदाय से ताल्लुकात रखता है। पुलिस ने आरोपी सलीम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है। इस हत्या के पीछे लव जिहाद का कितना एंगल है ये पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। पुलिस मामले को सही जांच करती है या मामले को खा जाती है ये तो पुलिस ही जाने। लेकिन देश की राजधानी में जब एक केस सामने आता है तो देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसे मुकदमों की चर्चा और खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, जहां मुस्लिम युवकों पर हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार और हत्या तक के आरोप लग रहे हैं। चलिए आपको छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दो ऐसे ही मामलों के बारे में बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में तो युवती की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भी ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां 8 मार्च को बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में ज़्यादा खून बहने की वजह से एक युवती की मौत हो गई थी। पीड़ित दानिश नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसने समीर बनकर दोस्ती की थी और मौत से पहले पीड़िता का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसने दानिश पर खुद को
ताले में बंद रखने, मारपीट करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। लड़की ने मांग की थी कि उस दरिंदे को बख्शा नहीं जाए जिसने सच छिपा कर उसके साथ मोहब्बत के नाम पर धोखा किया। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने आसिफ और उसके भाई और उसके पिता अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार किया। तीनों पर एक युवती को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप है कि उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के आयड़ में रहने वाले आसिफ ने इस लड़की को धर्म परिवर्तन नहीं करने और हिजाब नहीं पहनने पर दिल्ली के साक्षी मर्डर केस की तरह हत्या करने की धमकी दे रहा था। पीड़िता का आरोप है कि आसिफ ने पहले धोखे से उसके साथ दोस्ती की और जब पीड़िता को सच का पता लगा तो वो आसिफ से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी आसिफ और उसके परिवार वालों ने भी पीड़िता को धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच कर रही है। दिल्ली के पास ही हापुड़ से कथित लव जिहाद का ऐसा ही खतरनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक हिंदू लड़की के साथ वसीम ने रेप किया, फिर उसे ब्लैकमेल किया गया, इसके बाद धर्मांतरण कराकर निकाह भी कर दिया गया। बात यहीं जाकर खत्म नहीं हुई, इसके बाद लड़की को घर के दूसरे मर्दों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया, तो पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी खुद दिल्ली पुलिस में है और उसके पिता भी दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर भाई की हत्या का डर दिखाकर इस पर इतना दबाव बना दिया गया कि उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ा। धर्मांतरण के बाद उसका नाम इकरा रख दिया गया और फिर जब इस युवती ने एक बेटे को जन्म दिया तो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला और बढ़ गया। आरोप है कि 11 मई की रात गला दबाकर उसकी हत्या की कोशिश भी की गई और इसे श्रद्धा वालकर की तरह 36 टुकड़े में मार डालने की धमकियां भी दी गई। हापुड़ पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज है, लेकिन आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक ले रखी है, उसी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य वारदात में झारखंड की मानवी की मॉडलिंग के दौरान तनवीर से दोस्ती हुई, बाद में ये प्यार में बदल गया। अब मॉडल मानवी ने तनवीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि तनवीर ने अपना असली नाम छिपाकर उसे ब्लैकमेलिंग करने, नशा देकर यौन शोषण करने, जान से मारने की कोशिश करने और उसका धर्म बदलकर शादी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। FIR में मॉडल ने पुलिस को बताया कि उसके पास कई ऐसे सबूत हैं जो तनवीर के खिलाफ हैं। कानपुर से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने स्कूटी ठीक कराने आई महिला को हिंदू नाम बता कर अपने जाल में फंसाया, फिर उसका यौन शोषण किया, उसके बाद उसने महिला पर निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामले में ADCP अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका आरोप है कि उसे एक युवक ने धर्म
और नाम बदलकर संबंध बनाए, फिर उसके जमा किए हुए रुपए खर्च करवा दिए और जेवर बिकवा दिए। उसके बाद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की और उसकी असलियत पता चली तो महिला पुलिस ने शिकायत करने आई। मामले में जांच की जा रही है, सही तथ्य सामने आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में सलीम और शकील को दो नाबालिग बहनों को फुसलाकर अपहरण करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। मामला बरेली के भोजीपुर का है। पुलिस ने दोनों पर पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोप है कि सलीम और शकीलना बालिग बहनों को फुसला कर भगा ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके पास उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। देश का कोई प्रदेश या जनपद ऐसा नहीं है जहां इस तरह की वारदातों की झड़ी न लगी हो। कई प्रदेशों में राज्य सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर नियंत्रण के लिए, लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए कानून भी बनाए, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। जरूरत है कि किशोर व नवयुवा लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि मासूम बच्चियों के जीवन को दरिंदों के जाल में फंसने से बचाया जा सके। माता पिता की जिम्मेदारी है कि उनकी बिटिया क्या कर रही है, कहाँ आ जा रही है, किससे मिल रही है, इस पर निगाह रखें। आंख मूंद कर बेटियों के ऊपर भरोसा ना करें और खुद तहकीकात करें, क्या पढ़ रही है, कहाँ जा रही है, कौन सा कोर्स कर रही है, तभी लव जिहाद से बचा जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।